भूपेश बघेल जी को मुझसे बहुत डर लगता है, इसलिए शायद वो उसको बुलाना उचित नहीं। सबसे पहले तो उन्होंने किसानों को धोखा दिया, गंगा जल और गाय की पूछ पकड़ कर उन्होंने कहा था कि 25 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य हम देंगे और हर साल हम खरीदेंगे, हर साल हम बोनस देंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि किसानों के पूरे धान नहीं खरीदे जा रहे और किसान आज इतना परेशान है, अपने छोटे छोटे जरूरत के लिए वो हजार दो हजार रुपये की धान भी बाहर नहीं बेच पा रहे हैं। अपने जिक्र में कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार पर तोहमत लगा रहे हैं अंतर्राशि पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तो दुनिया पर घूम घूम के वो न्योता दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप आइए, हम इतना बड़ा आदिवासी महोत्सव कर रहे हैं और मैं तो एक जनजाति मंत्रालय की मंत्री हूँ और मुझे तो मतलब मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा है। तो मैं तो इस कारण कह रही हूँ कि भूपेश बघेल जी को मुझसे बहुत डर लगता है, इसलिए शायद वो मुझको बुलाना उचित नहीं समझ रहे हैं। कल भी मुझको अंबिकापुर के पत्रकारों ने कहा तो मैं बोली कि उनसे 10 गुना बड़ा मेरे मंत्रालय में और मेरी सरकार में कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं उनसे 10 गुना बड़ा मैं यहाँ पर आदिवासी महोत्सव करा सकती हूँ और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के कई वरिष्ठ मंत्री उस कार्यक्रम में आ सकते हैं और इस काम को मैं करके भी दिखाऊंगी भविष्य में। जगह जगह पर नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया जा रहा है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? विरोध विपक्ष के लोग करा रहे हैं, ऐसे लोग करा रहे हैं जो पहले वो खुद अपनी पार्टी को क्या ध्यान देते हैं, पहले वो अपने वोट का ध्यान देते हैं और जो देश को बाद में रखते हैं, और हम तो ऐसे पार्टी के हैं जो पहले हमारे लिए। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।